नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ में है गिरीश मित्तल जी, जो लास्ट 20 ईयर्स से लोन एक्सपर्ट हैं, लोन बेस्ड कंसल्टेंट हैं, और जो आपको लोन से संबंधित उन सभी सवालों का जवाब देंगे जो एक एक्सपर्ट आपको बता सकता है। तो गिरीश जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो गिरीश सर, हमारे व्यूवर्स बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो हमारी लोन की वीडियो को देखकर उन्होंने पूछे हैं, वो सभी प्रश्नों का जवाब वो जानना चाहते हैं। तो एक एक करके मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा प्लीज। सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि लोन के प्रकार व कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे यूजर ये समझ ही नहीं पाते कि मैं किस कैटेगरी के अंडर आता हूँ या किस तरह का लोन मुझे लेना होगा, तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, लोन कई प्रकार के होते हैं जी। लोन आपके परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, लाइक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने परचेज करना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करना है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी परचेज करना है, परचेज के लिए लोन होता है। या आपके पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, वो चाहे कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, उसके ऊपर आपको लोन लेना है फॉर बिजनेस एक्सपेंशन और सम एनी अदर रीजंस जी। और तीसरी एक कैटेगरी आती है, आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है उसके ऊपर अब आपको कोई कैपिटल की कमी है, तो आप टॉपअप लोन भी ले सकते हैं। Okay. तो इस प्रकार की ये लोन की कैटेगरीज हैं जिसके अंडर में आप अपना लोन देख सकते हैं कि मुझे मकान खरीदने के लिए लोन चाहिए, मकान के ऊपर लोन चाहिए, या अपने चलते हुए लोन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लोन अमाउंट जिससे कि आपका कोई काम रुक रहा है तो वो आप पूरा कर सकते हैं। ओके। तो एक आपने मुझे बताया था, एक बार मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, आपने कहा था कि एक सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड करके कुछ लोन के बारे में आपने बताया था। लोन की एक कैटेगरी ये भी है कि एक सिक्योर्ड लोन, जो मैंने बताया आपको कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपका लोन रहता है जिसके अंदर एक कोलेटरल सिक्योरिटी रहती है, दैट इज़ ए सिक्योर्ड लोन। ओके। और एक अनसिक्योर्ड लोन रहता है जिसमें आपका बिजनेस लोन, पर्सनल लोन्स, वो आपको इजीली मिल जाते हैं अनसिक्योर्ड लोन में आता है। मतलब अगर हम लोन की बात करें तो दो कैटेगरी यहाँ पर डिफाइन होती है, एक सिक्योर्ड लोन, दूसरा अनसिक्योर्ड लोन। सर, एक अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ये क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, लाइक मैं बैंक की बात करूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करूं, एनबीएफसी की बात करूं, या प्राइवेट फाइनेंसर की बात करूं, लोन कितना दें ये कैसे निर्धारित होगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सभी बैंकों का, एनबीएफसी का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, उसके अंदर हर एक का अपना एक अपना क्राइटेरिया होता है। एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हर का अपने एक फार्मूलाज होते हैं। उन फार्मूलाज को अगर हम बात करें तो इनकम बेस फार्मूलाज होते हैं जिसके अंदर आपकी इनकम को एसेस किया जाता है बाय वे ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, कि आपने कितना कितने प्रॉफिट आपने शो किया है, कितना डेप्रिसिएशन शो किया हुआ है, या इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, और सैलरी टू पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, और अदर इनकम्स में आपने क्या क्या शो किया हुआ है, एक कैटेगरी तो ये आ जाती है। दूसरी है आपकी, आपका बैंकिंग हैबिट्स क्या हैं, आपकी बैंकिंग बैलेंसेस क्या हैं, और उसके ऊपर भी आपका एलिजिबिलिटी डिपेंड करता है। फिर आपका प्रेजेंट एंड पास्ट जो आपके लोन्स हैं उसकी रिपेमेंट ट्रैक के ऊपर भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे मेथड हैं जिसके थ्रू बैंक्स या एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इनको लोगों को कैलकुलेट करते हैं। एक इनकम, एक और अलग प्रोग्राम है लिक्विड इनकम प्रोफाइल, जो नॉर्मली अब सभी बैंकों ने थोड़ा करना स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस कैटेगरी को देखते हुए, बिजनेस इनकम्स को देखते हुए, और उनको वो इनकम को एसेस करते हैं उनके ऑफिस में जाके या उनके वर्क प्लेस में जाकर, और फिर डिसाइड करते हैं कि इसकी कितनी इनकम एक्चुअल में है जिसके ऊपर हम उनको उनको क्राइटेरिया को बढ़ा सकते हैं जी। अभी सर आपने कहा कि लिक्विड इनकम, थोड़ा सा उसको डिफाइन करें। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाए कि लिक्विड इनकम हम किससे कंसिडर करते हैं, क्या होती है लिक्विड इनकम, और ये कैसे बैंक कैलकुलेट करता है या एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैलकुलेट करता है कि इनकी लिक्विड इनकम क्या है, क्योंकि उसका प्रूफ नहीं होता एक तरह से, शायद मुझे ऐसा लगता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए क्या होता है कि लिक्विड इनकम प्रोफाइल के अंदर अनअकाउंटेड जी, जो अनअकाउंटेड रहता है उसको एसेस करने के लिए एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बैंक की तरफ से या एनबीएफसी की तरफ से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से वो कस्टमर के वर्क प्लेस पे जाता है या बिजनेस प्रीमाइसिस में जाता है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसकी फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पर वो उसकी एसेस करता है कि उसकी एक्चुअल में कितनी टर्नओवर है या कितनी उसकी ट्रेडिंग अकाउंट है, प्लस स्टॉक कितना उसने मेंटेन किया हुआ है, बुक्स में कितना स्टॉक मेंटेन है और एक्चुअल में स्टॉक कितना मेंटेन है, कितना वो उसकी एक्चुअल में आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कितना टर्नओवर है, उसको वो एसेस करने के बाद वो एक अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिकंस्ट्रक्टेड करते हैं। ओके।
मतलब इस तरह समझ लें जैसे प्रॉपर्टी में दो तरह की वैल्यू होती है, एक सर्कल रेट होता है जिसको गवर्नमेंट की वैल्यू कहते हैं, और जो दूसरा रेट होता है वो एक्चुअल मार्केट वैल्यू होती है, जिसे हम एक तरह से कैश लिक्विडिटी में कितना हम कंसीडर करते हैं, शायद यही समझ पा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही समझे हैं कि हम अनअकाउंटेड जो हम बात कर रहे हैं वो अनअकाउंटेड, अकाउंटेड तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाती है जी, और अनअकाउंटेड जो रिटर्न्स में नहीं आ पाती है, उसी को एसेस करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है और वो सारी एसेस करके वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करता है, जिसके बेसिस पर फिर बैंक्स अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिसाइड करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जरूरी नहीं कि आपके आईटीआर, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है लोगों के मन में कि भाई मेरी आईटीआर सपोज 5 लाख की है, 10 लाख की है, तो मुझे लोन की एलिजिबिलिटी कितनी होगी। करेक्ट, तो ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है, वो इस बात को ध्यान से समझ लें। आपके अकाउंट्स में कितनी बुक्स में कितना शो हो रहा है वो तो एक बात है ही, साथ ही साथ आपकी लिक्विड इनकम कितनी है, और लिक्विड इनकम में वो इनकम आ गई जिसका आपने अकाउंट मेंटेन नहीं किया हुआ है, एक तरह से 2 नंबर की इनकम आपकी आ गई है, फाइन, इसको ब्लैक मनी भी बोलते हैं, फाइन, तो उस तरह की इनकम को भी कैलकुलेट किया था, उसको भी कंसिडर किया जाता है लोन देते समय। सर अगला क्वेश्चन जो हमारे व्यूवर्स ने पूछा था वो ये है, लोन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या लोन देने वाले इंस्टीट्यूशन चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो, प्राइवेट फाइनेंसर्स हों, या कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो लोन देते समय किन बातों का ध्यान रखता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और कस्टमर को भी जब लोन अप्लाई करता है तो उसको अपना ये चीज़ें देख लेनी चाहिए कि मेरा पास्ट में या प्रेजेंट में जो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री है वो कैसी रही है, जो मेरे पुराने लोन्स के ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं उनका क्या स्टेटस रहा है, उनमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं रहा। दूसरा, आपके अंदर मेजर देखा जाता है कि जो आप प्रॉपर्टी कोलेटरल के लिए देने जा रहे हैं वो आपकी क्लियर एंड मार्केटेबल है कि नहीं है, उसके अंदर उसका टाइटल क्लियर है कि नहीं है। और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आपका इनकम क्राइटेरिया, इनकम क्राइटेरिया में आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी उतनी है उस लोन को रिपे करने के लिए या नहीं है जी, कि मतलब जब लोन मिल जाएगा तो क्या आप उतनी इंस्टॉलमेंट पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे जी, क्योंकि लोग सोच तो लेते हैं कि मैं इतना लोन अमाउंट ले लूँ, पर वो ये कैलकुलेट नहीं करते हैं इस लोन अमाउंट की इतनी ईएमआई आएगी हर महीने जो मुझे पे भी करनी है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। ओके, अब सर इसमें एक बीच में एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला था, वो ये था कि आपकी पास्ट परफॉर्मेंस, अभी कई बार लोग समझ नहीं पाते कि पास्ट परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसे पता लगे कि आपकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, मतलब आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स ये कैसे डिसाइड करें कि आपको कितना लोन मिल पाएगा, तो पास्ट परफॉर्मेंस का जो क्राइटेरिया है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें पीछे बैकग्राउंड जाना चाहूँगा, हमारे देश में कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जहाँ पर आपका क्रेडिट हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जाए जी, लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं, यूएसए के अंदर आपको एक सोशल सिक्योरिटी नंबर SSN जिसको बोलते थे वो मिलता है जी, जो लाइक आधार नंबर, उसको आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप जब देते थे तो वो तुरंत आपका SSN नंबर डालकर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखकर और आपका लोन अप्रूव कर देता है। इसी तरह के फॉर्मूले को जब इंडियन गवर्नमेंट ने देखा तो 2000 के अंदर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना करी गई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिबिल बोला जाता है जी, और आज उसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एक सिबिल रिपोर्ट जनरेट होती है जिसके अंदर आपकी पास्ट प्रेजेंट जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो सारी आपकी उसके अंदर रहती है और पता चलता है कि किस लोन के अंदर आपने इजीली सब लोन को पे कर दिया या डिफॉल्ट किया है किसी लोन के अंदर, डिफॉल्ट किया है तो कितने दिन का डिफॉल्ट किया है, कितने दिन की DPD जिसको बोलते हैं DPD है, वो सब चीज़ें आपकी उस क्रेडिट हिस्ट्री में आ जाती हैं। सिबिल रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके जो स्कोरिंग भी देती है आपकी क्रेडिट की, सबसे बढ़िया अगर रिपोर्ट मानी जाती जिसका स्कोर 780 एंड अबव होता है। ओके, तो ये क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करती है या किस तरह से पता लगता है कि हमारे सिबिल क्या है, क्या हमारा स्टेटस? देखिए जब भी आप कभी कोई लोन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो भी कोई NBFC या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास आपने लोन अप्लाई किया है वो सबसे पहले आपकी सारी इंफॉर्मेशन सिबिल रिपोर्ट जनरेट करने के लिए डालती है एजेंसी के पास। सिबिल ने सभी को अपना, सिबिल के सभी लोग मेंबर्स हैं, जितनी भी NBFCs आज की डेट में ऑपरेट कर रही हैं या बैंकिंग बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी का एक उन्होंने लॉगिन ID पासवर्ड दिया हुआ है जिसमें वो अपना लॉगिन करके आपकी कस्टमर की डिटेल्स डालती हैं और आपकी इंफॉर्मेशन को वो पुल आउट करते हैं और उसको देख के ही डिसाइड करते हैं कि कस्टमर का आज की लास्ट बिहेवियर क्या रहा है, ये इसके अंदर ये लोन के अंदर इसका बिहेवियर कैसा रहा है
और उसी को देखते हुए फिर आगे वो लोन के लिए डिसाइड करते हैं। ओके, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डॉक्यूमेंट्स को डेटा मेंटेन करके डेटा मेंटेन करते हैं और उनको रीचेक करते हैं कि एक्चुअल उसकी पोजीशन क्या है जिसको लोन चाहिए। करेक्ट, ग्रेट। एक सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक व्यूअर ने किया हमसे, और वो क्वेश्चन है कि हाउसिंग लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि उनको लगता है कि दोनों ही लोन जब मकान के लिए हैं, घर के लिए हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा लिया जाना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जब आप कोई मकान खरीदने के लिए जाते हैं रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, चाहे वो प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, चाहे वो रेजिडेंशियल फ्लैट है, रेजिडेंशियल हाउस है, जब आप रेजिडेंशियल पर्पज़ रहने के लिए मकान खरीदने जाते हैं उसको हम हाउसिंग लोन कहते हैं। ओके, और मतलब नया मकान कोई खरीद रहे हैं तो वो हाउसिंग लोन के अंडर आता है, रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल में। और जब आप अपने कोई एग्जिस्टिंग मकान जो आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ है उसके ऊपर आप लोन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ओके, वो प्रॉपर्टी फिर चाहे कोई रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, वेयरहाउस हो, प्लॉट हो, या एनी अदर प्रॉपर्टी हो, उसके ऊपर आप अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, या आप अपने घर के अंदर कोई आपके फंक्शन है, या आप कोई ड्रीम वेकेशन मनाना चाहते हैं, या आप कुछ भी अपने लिए प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप एक लोन लेकर अपना जो वर्किंग कैपिटल गैप है उसको फुलफिल करते हैं, उसके लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बेनिफिट। ओके, इसका मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो उस प्रॉपर्टी पे जो लोन लेंगे उसको यूटिलाइजेशन हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हाउसिंग लोन लेंगे तो उस घर को खरीदने के लिए लोन लिया गया है, लोन की पेमेंट, यस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो लोन लिया जाता है उसको सिर्फ बैंकर्स ये एश्योर करते हैं कि वो स्पेचुलेटिव किस पर्पस पे यूज ना हो। ओके, फाइन। तो अगला मेरा एक प्रश्न है कि जब बिजनेस लोन या पर्सनल लोन मिल सकता है तो हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्यों लें? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए क्या है कि लोन आप जो बात कर रहे हैं पर्सनल लोन, बिजनेस लोन वर्सेस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, जी बिजनेस लोन या पर्सनल लोन जो भी आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल है, तो वेजा वेजा अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो लैप आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल होता है, जी पहली बात। दूसरा, आपका टेन्योर आज बिजनेस लोन या पर्सनल लोन के अंदर मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 7 साल का है। ओके, और अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो उसके अंदर टेन्योर 10 से 15 साल आपको डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी वो आपको और एज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली वो आपको मिल जाता है, जिससे एक तो आपको ऊपर ईएमआई का बर्डन कम पड़ता है। ओके, और लोन और आप इजीली रीपेमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सिक्योर्ड होता है और वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, तो इन सब कंपैरिजन को देखते हुए लोग इसलिए मेजरली सिक्योर्ड लोन की तरफ रुक करते हैं क्योंकि उनका टेन्योर भी लंबा हो गया, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो तो ईएमआई भी कम आएगी। ग्रेट। एक अगला क्वेश्चन है सर कि हाउसिंग लोन के क्या बेनिफिट हैं? हाउसिंग लोन के लिए सरकार ने शुरू से ही प्रोविजन करके रखा हुआ है, अंडर सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, आप आज की समय में 2 लाख रुपए इंटरेस्ट के ऊपर बेनिफिट ले सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, ठीक है, प्लस अंडर सेक्शन 80C आपने जो प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है अप टू 1,50,000 रुपीज का आप इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं, जिसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट पूरा मिलता है। ओके, प्लस अगर आप पहली बार कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आपके किसी भी परिवार के नाम कोई प्रॉपर्टी आज तक नहीं थी, आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर हैं, तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, डेट इज़ कॉल्ड CLSS, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट में बेनिफिशरी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलता है। ओके, हाउसिंग लोन के तहत, हाउसिंग प्रधानमंत्री आवास योजना, जी। एक सर सबसे आखिरी प्रश्न जो कई लोग पूछना चाहते हैं कि लोन लेते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? देखिए लोन लेते समय कोई बहुत बड़ा मेजर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आपके जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को बैंकर वेरीफाई करते हैं, लाइक आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट प्रूफ, इनकम टैक्स रिटर्न फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स और 3 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC और बैंक, और प्लस उसके साथ आपके कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट्स, और ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। प्लस अगर आपकी कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप कंपनी है, तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न
अलॉन्ग विद पार्टनरशिप डीड और कंपनी मेमोरेंडम्स, प्लस आपकी लास्ट 6 मंथ टू 1 ईयर की बैंकिंग रिक्वायरमेंट होती है, कोई इससे ज़्यादा लोन की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाकी अगर इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस। जी, लाइक सैलरीड एम्प्लॉई है तो उसका रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, उसका आईडी प्रूफ्स हो गए, सैलरी स्लिप हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गया, लास्ट फॉर्म 16 है उसका, ओके, या कंपनी के अंदर अगर उसने अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर, लास्ट लीविंग लेटर्स। जी, तो यही एक जनरल डॉक्यूमेंटेशन है जो रिक्वायर्ड होते हैं लोन लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने गिरीश सर से जाना कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन, वो कौन कौन सा प्रोसेस, या वो ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोसेस फॉलो करती हैं जब किसी भी व्यक्ति को लोन दिया जाता है। अगली एक और इस सीरीज़ की वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉरपोरेट लोन किस तरह से लिया जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर फंडिंग चाहिए हो तो उस प्रोजेक्ट की फंडिंग किस तरह से ली जाती है, उनका प्रोजेक्ट तैयार करते समय क्या क्या सावधानी बरती जाती हैं, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब पीछे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई कंपनी आपके पास नहीं है, कोई ITR आपके पास नहीं है, आप एक नया स्टार्टअप करते हैं, तो उस स्टार्टअप से संबंधित प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके किस तरह से लोन लिया जा सकता है, इस वीडियो पर हम बात करेंगे। अगर आपके मन में लोन से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो हम उसको कवर कर सकें। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप गिरीश सर से लोन से संबंधित कोई चीज़ कंसल्ट करना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी, मैं गिरीश मित्तल, हम आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।